आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IEX स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि कुछ अपट्रेंडिंग न्यूज इस स्टॉक में ट्रेड होते हुए दिख रहा था। इस समय इस स्टॉक को अगर टेक्निकली देखें तो पिछले 6 महीने से यह स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहा है और पिछले 1 महीने से यह स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक के डिलीवरी देखें तो अच्छी खासी डिलीवरी मोर देन 45-60% तक का दिख रहा है और इस स्टॉक में एक न्यूज ट्रेंड हुई कि अराउंड 13 स्टेट में इसके पावर ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया था, जिसके अगले दिन बाद ही अराउंड 6 स्टेट में विड्रॉल कर लिया गया और देखेंगे तो 7 स्टेट में अभी भी बैन लगी हुई है और आई होप कि वो भी विड्रॉल कर लिया जाएगा। टेक्निकली ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा था 165 से और इस स्टॉक ने 175 तक के लेवल्स टच किए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे होंगे और अगेन देखेंगे 175 से ये स्टॉक कंसोलिडेट जोन 162 से 166 का एक जोन है और उसी जोन में ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो मेरा पर्सनली मानना है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मोमेंटम ट्रेडर है वो 172 के ऊपर के क्लोजिंग पर ही इसको बाइंग करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 210 रुपीज तक का। जब तक ये स्टॉक 160 से लेकर के 165-66 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है तो व्यू कंसोलिडेशन या फिर डाउन ट्रेंड 152-154 तक का दिख सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब भी इस प्रकार का न्यूज आए, जब भी ये स्टॉक ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो और 40-50% तक का करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ टारगेट ऑफ अराउंड 500 तक का टारगेट आप नेक्स्ट 2-3 ईयर के लिए रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इग्नोर करेंगे, 172 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। उसके नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो कंसोलिडेट या फिर डाउन ट्रेंड 152 तक के लेवल्स दिख सकते हैं।